उत्तर प्रदेश में मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, परसों भी मैं जाके आया हूँ और मजबूती से हम अपनी पार्टी को मजबूती से बेस बना रहे हैं और मैं अभी तक 165 सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुका हूँ और आने वाले समय में सोचा जाएगा, फिलहाल उस पर हम तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल तो यही निर्णय है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी आप अकेले लड़ेंगे? जी हाँ, निश्चित तौर पे सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पे बैठे, एक अच्छे पॉलिसी बनाए और सरकार जो निर्णय लेंगे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसके साथ मैंने जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए देश में। जी निश्चित तौर पे इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये भी हो और इस पे एक बेहतर पॉलिसी बने जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो और हर, मैं तो कहूँगा कि NDA हो या UPA हो, सब नेता के साथ बैठकर एक अच्छे पॉलिसी बनाए और उसके ऊपर ये होना चाहिए। जागरूकता जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है, कानून भी जरूरी है, जागरूकता भी जरूरी है। ये तेज प्रताप यादव कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं, लालू यादव कॉमेडी थे तो अब तेज प्रताप भी कॉमेडी हो रहे हैं। अभी देखिए सब चीज तो सर मैंने नहीं था, कहीं कोई जा रहे हैं, अब इस पे मैं ज्यादा क्या टिप्पणी दूं। सर आज सुबह सुबह ही तेजस्वी यादव ने कि वो विपक्ष में है और वो विपक्ष का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें वो करना चाहिए, बाकी सरकार का जो काम है वो सरकार अपने ईमानदारी के साथ हम लोगों को काम करना है, वो विपक्ष में है और मैं तो उसको मतलब धन्यवाद दूंगा कि इसी तरीके से 10-20 साल तक विपक्ष में रह के ट्वीट करते रहे।